आज बेडरूम वास्तु पर प्रकाश डाल रही हूँ, सुखपूर्वक निद्रा आ सके, प्रेमालाप हो सके और वो जोड़े के परस्पर मध्य में सभी सुख मौजूद हो सके, इसकी व्यवस्था करी जा सकती है। लेकिन शयन कक्ष में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शयन सुख का नाश करते हैं। जन्म पत्री के 12th भाव में अगर पाप ग्रह हो तो शयन कक्ष की शांति भंग हो सकती है। तो इसको सकारात्मक रूप देने के लिए इन 6 चीज़ों को भूल कर भी शयन कक्ष में ना रखें। आप पाएंगे कि आपके जो शयन सुख है उसमें आ रही हर बाधा दूर हो रही है। आपका 12th हाउस जो शयन सुख के लिए, निद्रा सुख के लिए जाना जाता है, वो परिपूर्ण हो रहा है। तो आज इसी पर प्रकाश डाल रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका मित्रों स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, यही मेरी ब्लेसिंग्स है। तो आज के वीडियो में बने रहिए अंत तक, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको बेडरूम वास्तु से जुड़ी जानकारी दे रही हूँ। हालांकि आप अन्य वीडियो में भी ऐसी जानकारी लेते ही रहते हैं, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो बेहद खास है और अलग है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जानकारी हासिल करिएगा। शयन कक्ष में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। स्पेशली जो 6 चीज़ें हैं उनके अतिरिक्त भी आपको जानकारी देने जा रही हूँ आज के वीडियो में, जो आपके शयन सुख का नाश करते हैं, आपके निद्रा में बाधा उत्पन्न करती हैं। स्पेशली जो पति पत्नी का जो प्यार होता है, दाम्पत्य सुख है, चरम सुख है, वो भी बाधित हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और जानिए कि आपको क्या नहीं रखना चाहिए। आपको अपने बेडरूम में भूल कर भी सिल बट्टा नहीं रखना चाहिए, ओखली भी नहीं रखनी चाहिए, भूल कर भी मूसल ना रखें शयन कक्ष में, शयन कक्ष में प्रेस नहीं रखनी चाहिए कभी भी। आप जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन शयन कक्ष में हीटर नहीं रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। और झाड़ू को भूल कर भी शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए, छुपा कर भी बेडरूम के नीचे तो कभी ना रखें, मतलब बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए झाड़ू। तात्पर्य यह है कि आप जिस डबल बेड पर शयन करते हैं उसके नीचे छुपा कर भी झाड़ू को ना रखें। शयन कक्ष में वायलेंट चित्र या हिंसात्मक चित्र नहीं होने चाहिए, जानवरों इत्यादि के चित्र भी नहीं होने चाहिए। बेडरूम में आपको धारदार औजार या हथियार नहीं रखने चाहिए, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। लकड़ी के शोपीस भी आपको बेडरूम में या शयन कक्ष में नहीं रखने चाहिए। झूठे बर्तन और चप्पल जूते भी आपको शयन कक्ष में नहीं रखने चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी निद्रा भी पूरी होगी और आपके आपस का प्यार भी, जो समाप्त प्राय ही हो गया है, वो पुनर्जीवित हो जाएगा और आपके बीच प्यार पुनः पनपने लगेगा और इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि आप एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। ये बात सभी पर लागू होती है जो जोड़े में हैं, उनको ये बात अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही था, मैं समाप्त करती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमा श्री। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, क्या ये आपके काम आ सकती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य ही लिखा कीजिए ये बात। यदि आप कोई खास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में उसकी रिक्वेस्ट भेजें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य ही बनाऊँगी। मेरे YouTube पर 5200 वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बस आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमा श्री, मेरे वीडियो खुलकर आपके सामने आ जाते हैं जो तरह तरह से आपको ज्ञान की और लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं, 23-24 साल का अनुभव है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है और आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।